हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, सी टैट का जो एग्जाम हुआ था 8 दिसंबर को प्राइमरी लेवल तथा जूनियर लेवल के लिए, उसका हमने कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किया है कि उसका क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रहता है। उसका सोल पेपर भी हमने अपने चैनल से अपलोड किया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूं तो आप अपनी एक राय जरूर हमें इस चीज को लेकर दीजिएगा कि जो सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि सी टैट का पेपर आउट हुआ है या नहीं, इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है। दोस्तों, आप अपनी राय जरूर इस चीज के लिए हमारे साथ साझा करेंगे कि आपको कैसे लगता है कि पेपर आउट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर बात है यदि कोई पेपर आउट होता है तो। यदि मैं आपको इस चीज को लेकर क्लियर करूं कि क्या पेपर आउट हुआ है, तो देखेगा कुछ हमें सोर्स ऐसे मिले हैं, सोर्स से मतलब आप समझ सकते हो कि अमर उजाला या कुछ न्यूज़पेपर में ऐसा दिया गया है, जहां ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि पेपर आउट हुआ है। वहां केवल ये कहा गया था कि कुछ सोलवर गैंग पकड़े गए हैं, यानी सोलवर गैंग को आप ऐसा समझ सकते हो कि जो एग्जाम में पैसा लेते हैं कैंडिडेट कोई और होते हैं, उनकी जगह एग्जाम कोई और देता हुआ। इस तरह का कोई प्रूफ शायद अभी तक नहीं मिला कि पेपर आउट हुआ हो, यानी पेपर को पहले से ही चुरा लिया गया हो या पेपर को पहले से ही आउट कर दिया गया हो और जब आप एग्जाम देने गए हो आपको वो पेपर तब वहां ना मिला हो। देखिएगा, इस चीज को लेकर कोई अभी तक कोई क्लियर नहीं मिला है कि पेपर आउट हुआ है। हाँ, इस चीज को लेकर कुछ हमें मिले हैं सोर्स अखबारों के माध्यम से, जिसमें लिखा था कि सोलवर गैंग पकड़े गए हैं जो एग्जाम किसी और की जगह दे रहे थे। तो इस चीज को पूर्ण रूप से कह देना कि पेपर आउट हुआ है तो शायद हम इस चीज को बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल क्लियर हम इस चीज को लेकर नहीं कह सकते कि पेपर आउट हुआ है। सोलवर गैंग वाली बात है जो चल रही है, यदि आपको लगता है कि पेपर आउट हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार रखें कि सर हाँ, हमें भी लगता है पेपर आउट हुआ है, या आपके कोई संदर्भ में जानकार हो जिसके माध्यम से आपको पता लगा हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी चीज को लेकर यह भी बातें चल रही है कि पेपर आउट हो चुका है, इसकी परीक्षा दोबारा होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, किसी तरह की कोई दोबारा परीक्षा नहीं होनी है। आपका एग्जाम हो चुका है, जो भी आपने एग्जाम में किया है उसी के आधार पर आपको मार्किंग मिलने वाली है। तो इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में से लगा निकाल दीजिएगा कि आपकी दोबारा परीक्षा होगी तो आपकी कोई दोबारा परीक्षा नहीं होगी। मगर हाँ, ये जरूर है कि जो ये सोलवर गैंग पकड़े गए हैं, इन पर बहुत जबरदस्त तरीके से, सख्त कड़ी तरीके से कानून के द्वारा कार्रवाई होगी और ये अपनी जो भी है सजा वो पाएंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। किसी परीक्षा में सोलवर गैंग का पकड़ा जाना या पेपर आउट होना एक तरह से पूरी तरीके से भद्दा मजाक होता है शिक्षा पर, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी जो मेहनत करके जाते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि पेपर आउट हुआ है और उनकी जगह कोई और ऐसे अभ्यर्थी जो मेहनत नहीं करते वो सिलेक्शन हो जाते हैं, तो शायद वास्तव में ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही दुख की बात है। तो इसी तरह के पेपर आउट होने की कोई खबर नहीं है, कुछ सोलवर गैंग पकड़े गए हैं, दोबारा किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं होनी है। इस चीज को आप दिमाग में से निकाल दीजिए कि आपकी दोबारा परीक्षा होगी, कोई दोबारा परीक्षा नहीं होनी है। यूपी टेट जो है आपका 22 दिसंबर को होगा, 22 दिसंबर को आपका यूपी टेट होगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं, आपको सजेशन देना चाहूंगा कि इन चीजों को छोड़कर जैसा भी आपका एग्जाम दे गया है वो सही है, आप यूपी टेट की तैयारी में लग जाएं। यूपी टेट का एग्जाम 22 दिसंबर को है, अभी भी आपके पास मौका है जो यूपी से रिलेटेड है या अदर स्टेट से जिन्होंने यूपी टेट का फॉर्म भरा है, यदि वो सी टेट एग्जाम नहीं कर पाया तो अभी आपके पास टाइम है 12-13 दिन का। आप अच्छी तरीके से मेहनत कीजिएगा और आप यदि 12-13 दिन भी लगातार अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये एग्जाम पास हो जाएगा, आप मिनिमम 100 मार्क्स गेन कर लेंगे। तो इस चीज को दिमाग में से निकाल देगा, दोबारा परीक्षा की कोई दोबारा परीक्षा नहीं होनी है। यदि मैं इसके ऑफिशियल आंसर की बात करूं कि इसको ऑफिशियल आंसर कब तक जारी कर दी जाएगी, तो जो आयोग कहता है आयोग के मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर अंडर 7 डेज ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि आपका 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, 15 दिसंबर तक आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी जो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। इस ऑफिशियल आंसर की पर आप डाउट डाल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो आपने ऑफिशियल आंसर की डाली है इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है जो ऑफिशियल आंसर की में बताया गया है। उसके लिए आपको ऑथेंटिक सोर्स देना होता है, कोई एनसीईआरटी की बुक या कोई स्टैंडर्ड लेवल की बुक जिसे भारत सरकार प्रकाशित करती हो, वो बुक का आपको सोर्स देना पड़ेगा कि इसमें ये आंसर ये है, मैंने ये बुक पढ़ी थी मगर आपने आंसर गलत दिया है, तो उसके लिए आपका आंसर बदल जाता है। अब सवाल बनता है कि कट ऑफ जो है, आप जानते होंगे कट ऑफ जनरल और एडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए 90 है और अदर कास्ट जिसमें ओबीसी एससी एसटी आते हैं 82 है।
तो देखिएगा, सबसे पहले यदि आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं, आपने अपने मार्क्स जोड़े हैं, यदि आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। मगर दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का 90-82 नहीं बन रहा है, वो अभी एक या दो मार्क्स से रह रहे हैं, तो जिस भी ऑफिशियल आंसर की से आपने किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी किताब से जो भी आंसर आपने मिलाए हैं, यदि आपका एक दो मार्क्स में कमी है, तो दोस्तों इस चीज को आप दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसके आधार पर जो मार्क्स आपके बनेंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन माना जाता है, ना कि इस चीज पर कि आपने यूट्यूबरों से आंसर की मिलाई है, ना इस चीज पर कि आपने खुद से आंसर की मिलाई है, ये बिल्कुल मायने नहीं करता। जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, यदि आप उसमें पास होते हैं तो आप पास होंगे, आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यदि आप उसमें क्वालिफाई नहीं होते, आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि वर्तमान में आपके मार्क्स 88 हैं और आपको लग रहा है कि मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा जनरल कैटेगरी में, यदि आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है और आपके वहां मार्क्स 90 बन जाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। तो इस चीज को अभी दिमाग में से निकाल दीजिएगा, जिनके मार्क्स 90-82 से कम है और वो ऑफिशियल आंसर की का वेट करें, तो उनका ऑफिशियल आंसर की में मार्क्स बढ़ सकता है, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि जो ऑफिशियल आंसर की आता है उसमें बड़ा बदलाव होता है, उसमें ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं, वो यही इसी चीज को लेकर लगाए जाते हैं कि कुछ आंसर CBSE के द्वारा गलत डाल दिए जाते हैं। तो बिल्कुल निश्चित होइएगा, अभी आप समय है ऑफिशियल आंसर की आने में, 15 दिसंबर तक वेट कीजिएगा, इसके बाद आप अपने आंसर मिलाएं। कट ऑफ की यदि मैं बात करूं, कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं है, यदि आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, यदि आप एससी एसटी और अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, चाहे आप जनरल हो, एससी एसटी एबीसी कुछ भी हो, या फीमेल हो चाहे मेल हो, इसमें फीमेल मेल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है, आपको जनरल में 90 लाने हैं और अदर कास्ट में आपको 82 लाने हैं। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। और दोस्तों, ये जो बात है पेपर आउट और दोबारा परीक्षा होने की, इस तरह का कोई आधार नहीं है, आपकी कोई दोबारा परीक्षा नहीं होने वाली है, आप अपने यूपी टेट की तैयारी में लगेगा। नेक्स्ट, यदि मैं आपकी बात करूं डिस्कस इस चीज को लेकर कि इसका रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जा रहा है, कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो यह मानकर चलें कि दिसंबर में जो लास्ट मंथ है, लास्ट दिसंबर है, यानी 30 दिसंबर तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट भी सीटेट का जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं, और उसके 15 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट रिलीज कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से मतलब ये है कि जो सीटेट क्वालिफाई करेगा उसे CBSE के द्वारा एक सर्टिफिकेट रिलीज किया जाएगा, जिसमें आपके मार्क्स, आपने कितने मार्क्स कैरी किए हैं प्राइमरी लेवल में, जूनियर लेवल में, यदि आप प्राइमरी लेवल क्वालिफाई करते हैं तो आपका प्राइमरी लेवल का सर्टिफिकेट आएगा, यदि आप जूनियर लेवल क्वालिफाई करते हैं तो आपका जूनियर लेवल का आएगा, यदि आप दोनों क्वालिफाई करते हैं तो आपका दोनों का आएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा इस चीज को भी लेकर था कि कुछ अभ्यर्थी जो जिनकी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं थी, यानी वो सेमेस्टर के फाइनल ईयर में थे, उनका क्या सीटेट वैलिड होगा या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि काफी कमेंट्स हमें इसी चीज को लेकर मिले थे कि सर मैं अपनी ग्रेजुएशन की थर्ड सेम में हूं, क्या मेरा वैलिड होगा। तो दोस्तों, जब आपने सीटेट भरा होगा तो सीटेट में भरते टाइम एक फाइनल नोटिस आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होगा, और फाइनल इसे मतलब है जो फोर्थ सेम में एग्जाम दे रहा होगा, जिसने फोर्थ सेम के एग्जाम दिए होंगे, जिसका रिजल्ट अभी रुका है, या जो सेकंड ईयर में पहुंचा हो उसका फर्स्ट ईयर का कंप्लीट रिजल्ट आ चुका हो, इस दौरान तक जब तक आपने अपना फॉर्म भरा है तो उसका सीटेट वैलिड होगा। इस चीज को आप मानकर चलिएगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है उन्होंने अपना सीटेट दिया है, उनका सीटेट वैलिड नहीं होगा। जिनका सेमेस्टर बीएड का थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, यानी सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, उनका सीटेट वैलिड होगा। बकाया जो भी जिसका सीटेट वैलिड नहीं होगा, जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, बीटीसी की डिग्री नहीं है और उन्होंने अपना सीटेट दिया है, उनका कोई सीटेट वैलिड नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड सेम वालों का वैलिड नहीं होगा, मगर थर्ड और फोर्थ सेम में जो है फाइनल ईयर में जो होंगे उनका सीटेट वैलिड होगा, क्योंकि सीटेट के द्वारा पूरा नोटिस इस चीज को लेकर दिया गया था कि किसका सीटेट वैलिड है, किसका सीटेट वैलिड नहीं है। दोस्तों, यदि सीटेट को लेकर आपके मन में कोई और डाउट है, इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर क्या इतना वैलिड टाइम होता है, क्या मार्किंग है, या कुछ भी सीटेट से संबंधित, या भविष्य में आप यूपी टेट देना चाहते हैं,
तो आपको इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं वो भी प्लीज हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यदि हम उम्मीद करते हैं हम आपके सारे कमेंटों का आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।